नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 22 मार्च 2023 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल्स बहुत डिटेल में हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी चीज़ें हम लोग देखेंगे, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो $3 बिलियन का बेल आउट अप्रूव किया है श्रीलंका के लिए, इससे एक्चुअली में श्रीलंका को कितना फायदा होने वाला है और इसको लेके क्या कंडीशंस इंपोज की गई श्रीलंका के ऊपर, इसके बारे में बात करेंगे। फिर एंटी सबमरीन क्राफ्ट INS एंद्रोथ लॉन्च किया गया, ये सेकेंड है 8 ओवरऑल एंटी सबमरीन क्राफ्ट की सीरीज में, इसके बारे में बात करेंगे। एयर इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट फाइनलाइज कर रहे हैं इंडिया और USA, जो 4 बेसिक एग्रीमेंट्स पहले इंडिया US फाइनलाइज कर चुके हैं, उनकी टाइमलाइन देखेंगे और उसके साथ साथ इस एयर इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है इसको देखेंगे। फिर गंधमर्दन हिल को ओवरऑल बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है और ओवरऑल जो भी माइनिंग प्रोजेक्ट वहां पे सेटअप किया जा रहा था वो अभी के लिए बंद है, इसके बारे में बात करेंगे। राजस्थान पहला स्टेट बन गया है जिसने राइट टू हेल्थ बिल पास किया है और जो भी प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और हॉस्पिटल है राजस्थान के अंदर वो नाराज हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया ने रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का टारगेट मिस कर दिया, 2022 के एंड तक 175 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी आनी चाहिए थी, जिसमें 100 गीगावाट सोलर एनर्जी और बाकी जो सब टारगेट्स थे वो टारगेट पूरे नहीं हो पाए, उसकी क्या वजह है, आगे के क्या आप कह लो पोटेंशियलिटीज हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और जो फांसी की सजा दी जाती है दोस्तों, तो फांसी की सजा से इंसान की मौत होती है, अब जिसको सजाए मौत देनी है क्या फांसी के अलावा कोई और तरीका है जिससे उस इंसान को कम दर्द हो, इसके बारे में बात करेंगे। एडिटोरियल की बात करें तो IITs में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को लेके एक आर्टिकल है, चाइना लेड फ्रेमवर्क को लेके एक आर्टिकल है, ग्रेव निकोबार में किस प्रकार से भारत सरकार एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चला के गलती कर रही है, फिर ओवरऑल गुजरात की असेंबली में एक टेंपल में कौन सी स्वीट बटेगी, कौन सा प्रसाद बटेगा, इस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और कैसे गुजरात के अंदर सब्सिक्वेंटली अपोजिशन के MLAs को सस्पेंड किया जाता है, इसके बारे में बात की जा रही है। ओवरऑल पिछले कुछ सालों में लेजिस्लेटिव असेंबली ने गुजरात के अंदर कितनी डिस्कशंस की हैं, इसके बारे में बात की जा रही है। पंजाब में जो अमृतपाल सिंह को लेकर ट्रबल है, इसको लेकर बातचीत है, टाइट रोप वॉक। तो कुल मिला के 6 एडिटोरियल आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, सारे के सारे एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट है, कुछ बातें उसकी हम लोग देखेंगे। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, फार्सिसल। फार्सिसल रिलेटिंग टू और रिजेंबलिंग फार्स, स्पेशली बिकॉज ऑफ एब्सर्ड और रिडिकुलस अपसेट। मतलब फार्सिसल आप कह सकते हो कि कोई चीज आपके सामने आई, कोई मैटर आपके सामने आया और आपने बोला कि यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर आपने उसके प्रोविजंस को सुना और आपको रेलेवेंट नहीं लगा तो आप उसके ऊपर हंसने लगे, वो हंसी का पात्र बना दिया उसको। तो मतलब कोई एक चीज जो आपको रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट नहीं लगी उसको आप बोलते हो फार्सिसल, ठीक है भाई। पहली न्यूज जीएस पेपर 2, जुडिशरी कैपिटल पनिशमेंट। वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे लेक्चर की PDF और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। एक बात बता दूं दोस्तों, जल्दी ही मैं एक सीरीज लॉन्च करूंगा जहां पे ओवरऑल UPSC प्रीलिम्स 2023 का, ये जो पेपर आने वाला है प्रीलिम्स का, इसके जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको मैं आपके लिए लेके आऊँगा, तो जल्दी मैं उसकी डिटेल्स भी आपको बता दूंगा। अभी के लिए लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, जीएस पेपर 2, जुडिशरी कैपिटल पनिशमेंट। सुप्रीम कोर्ट बेंच सीक्स डाटा ऑन अल्टरनेटिव्स टू हैंगिंग। तो 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार को ये बोला कि आप ओवरऑल डाटा प्रोवाइड करिए और वो डाटा केवल इंडिया का नहीं पूरी दुनिया भर का डाटा होना चाहिए, जिसमें क्या कोई एक ऐसा तरीका है जो ज़्यादा डिग्निफाइड है, लेस पेनफुल है और सोशली एक्सेप्टेबल हो, एज एन अल्टरनेटिव टू हैंगिंग, एज एन अल्टरनेटिव टू फांसी। देखिए कुछ लोग तो ये गलतियाँ कर ही रहे हैं जिनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, अब ठीक है आप उनको फांसी की सज़ा दे रहे हो, लेकिन क्या फांसी देने के अलावा कोई एक और ऐसा तरीका है जिसमें दर्द कम हो, जो सोशली एक्सेप्टेबल ज़्यादा हो, जिसमें डिग्निफाइड तरीके से एक इंसान की मौत हो, ये बात पूछी है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार से। तो यहाँ पे बेंच बैठी थी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब थे, जस्टिस PS नरसिम्हा जी थे। इसने यहाँ पे ये तक बोल दिया कि अगर केंद्र की सरकार चाहे तो केंद्र की सरकार एक एक्सपर्ट कमेटी बना सकती है, वो एक्सपर्ट कमेटी इस बात के ऊपर विचार विमर्श करेगी कि जो क्रिमिनल्स को मौत की सजा दी जाती है क्या हैंगिंग के अलावा किसी और तरीके से उनको मौत की सजा दी जा सकती है, कोई एक और ह्यूमेन मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन एज एन अल्टरनेटिव टू आपका हैंगिंग। अभी फांसी देना है ओवरऑल एक इंडिविजुअल को, ये लिखा कहाँ है, तो अगर आप जाओ सेक्शन 354 क्लॉज 5 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये मैंडेट करता है कि ओवरऑल अगर किसी इंडिविजुअल को डेथ का सेंटेंस मिला है तो ही विल बी हैंग्ड बाय नेड टिल ही इज डेथ। तो मतलब अभी के लिए एग्जीक्यूशन की सजा हैंगिंग के थ्रू है, बट क्या इसके अलावा कुछ और हो सकता है,
तो अगर कोई एक और ह्यूमन अप्रोच मिल जाती है तो ओवरऑल हैंगिंग बंद करके हम उस पर्टिकुलर ह्यूमन अप्रोच से एग्जीक्यूशंस कर सकते हैं। तो चीफ जस्टिस समिति साहब का बोलना है कि अगर एक कमेटी बनाई जाती है जो ओवरऑल इस बात के ऊपर बातचीत करेगी कि क्या हैंगिंग के अलावा कोई अल्टरनेटिव मेथड है एग्जीक्यूशन का, तो ओवरऑल अगर ये कमेटी बनती है तो उसमें एक्सपर्ट होंगे, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स ऑफ लॉ होंगे, डॉक्टर्स होंगे, साइंटिफिक पर्सन होंगे, ठीक है ना। और इस कंटेक्स्ट में ओवरऑल डाटा भी मांगा है केंद्र की सरकार से, केंद्र की सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी, ठीक है ना भाई। तो एनी अदर मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंट विद ह्यूमन डिग्निटी, आप समझिए दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के जज नरसिम्हा साहब ने यह भी यहां पे बोला है कि अभी के लिए एक ऐसा लिटरेचर एग्जिस्ट करता है जिसमें यह लिखा हुआ है कि हैंगिंग इज क्लोजेस्ट टू पेनलेस, तो अभी के लिए सबसे पेनलेस फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूशन हैंगिंग ही है और इसके लिए प्रॉपर लिटरेचर एग्जिस्ट करता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ और तरीके हैं, जैसे गोली मार के कुछ कंट्रीज में एग्जीक्यूशन किया जाता है, कुछ कंट्रीज में लीथल इंजेक्शन के थ्रू एग्जीक्यूशन किया जाता है। अब लीथल इंजेक्शन के बारे में यह बोला जा रहा है कि हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता है। अगर आप देखो तो यूएस के अंदर लीथल इंजेक्शन के थ्रू मारा गया 110 सालों तक, लेकिन पॉइंट यह है कि अगर आप किसी से उसकी जान ले ही रहे हो तो कम से कम उसको पेनलेस डेथ दो, कम से कम सीरेनिटी लगे। अब यूएस की हिस्ट्री में जब भी लीथल इंजेक्शन के थ्रू, मतलब कोई पॉइजनस सब्सटेंस आपके ब्लड स्ट्रीम में इनहेल कर दिया, आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो कई बार लीथल इंजेक्शन में बॉश्ड अप एग्जीक्यूशन के केस भी आ जाते हैं, बॉश्ड अप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लीथल इंजेक्शन। अब ये क्या चीज है समझिए दोस्तों, बॉश्ड अप एग्जीक्यूशन तब होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कई मूवीज में देखा होगा कि चाइना में गोली मार के एग्जीक्यूशन करते हैं। अब मान लो किसी पर्टिकुलर पर्सन को सामने खड़ा किया और उसके एग्जीक्यूशन के लिए उसको गोली मारी जा रही है। अब गोली मारने में लॉजिक ये कि या तो दिल में गोली मारो या सर में गोली मारो, तो आदमी तुरंत मर जाएगा। अगर और कहीं गोली मारी तो पहले उसका खून बहेगा, वो धीरे धीरे मरेगा। तो मान लीजिए कि गोली मारने वाले एग्जीक्यूशन के तरीके में अगर आप दिल में और सर में गोली ना मारने के बजाय कहीं और गोली मार रहे हो, हाथ में मार रहे हो या कंधे पे मार रहे हो, तो उस बंदे को चोट लग जाएगी, उसका खून बहता रहेगा, धीरे धीरे खून बहेगा, वो धीरे धीरे मरेगा, इट विल बी अ पेनफुल डेथ। उसी प्रकार से लीथल इंजेक्शन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को देते हो और वहां पे वो तुरंत ना मर के धीरे धीरे तड़प तड़प के मरता है, तो उसको आप बोलोगे बॉश्ड अप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लीथल इंजेक्शन। उसी प्रकार से जब फांसी लगाई जाती है ना इंडिविजुअल को, तो दोस्तों फांसी की गांठ एक स्पेसिफिक तरीके से लगाई जाती है। अगर आप स्पेसिफिक तरीके से फांसी की गांठ नहीं लगाओगे, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो बंदा लटक जाएगा, जल्दी मरेगा भी नहीं और उसको बहुत दर्द होगा। इसलिए आप देखो तो स्पेसिफिकली जल्लाद रखे जाते हैं ओवरऑल फांसी देने के समय पे, जिनको पता है कि फांसी की नॉट किस प्रकार से बांधनी है, किस प्रकार से उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को उस प्लेटफॉर्म से छोड़ना है ताकि जल्दी से जल्दी मर जाए और उसकी डेथ कम से कम पेनफुल हो। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो केंद्र की सरकार पहले भी 2018 में सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल कर चुकी है जिसमें केंद्र की सरकार ने बोला है कि भाई डेथ बाय हैंगिंग इज द मोस्ट पेनलेस डेथ, बाकी केसेस में जैसे कि लीथल इंजेक्शन के केसेस में या फायरिंग स्क्वाड में बारबेरिक इनह्यूमन और क्रूअल वाला नेचर आ जाता है, फांसी में सबसे लीस्ट क्रूअल वाला नेचर आता है। और लीथल केमिकल के इंजेक्शंस के थ्रू ओवरऑल अगर आप मौत देने की बात करो तो उसको मिसयूज भी किया जा सकता है। तो सरकार बोल रही है कि हैंगिंग विद मोर एडवांस्ड प्रोसीजर इज फार सेफर देन टेक्निक सच एज लीथल इंजेक्शंस। द प्रोसीजर बाई विच अ डेथ सेंटेंस इज टू बी एग्जीक्यूटेड इज डिपेंडेंट अपॉन अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक फीजिबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड टेक्निकल पर्सनल, इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज, रेट ऑफ बॉश्ड एग्जीक्यूशंस। तो बेसिकली सरकार बोल रही है कि अभी के लिए हैंगिंग का जो प्रोसीजर है वो सबसे ज्यादा सेफ है और सबसे ज्यादा पेनलेस है व्हेन कंपेयर टू अदर फॉर्म्स सच एज लीथल इंजेक्शंस एंड दिस फायरिंग स्क्वाड, क्योंकि उसमें अगर गलती हो गई तो बॉश्ड अप केसेस ज्यादा हो जाएंगे। बॉश्ड अप मतलब आपने उसको मौत की देनी चाहिए लेकिन मौत जल्दी हुई नहीं, पेनफुल तरीके से हुई, देर में हुई। फिर केंद्र की सरकार ये भी बोल रही है कि अगर मारने का तरीका बदलना है तो आपको बदलना पड़ेगा सेक्शन 354(5) ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और यह करने का अधिकार केंद्र की सरकार के मतलब पार्लियामेंट के पास है, इट इज एक्चुअली अ मैटर ऑफ लेजिस्लेटिव पॉलिसी। तो इनडायरेक्टली केंद्र की सरकार ये भी बोल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ना इंटरफेयर करे तो ठीक रहेगा। फिर केंद्र की सरकार ये बोल रही है कि मौत की सजा रेयर ऑफ रेयर केसेस में दी जाती है, 3 एग्जीक्यूशन ही हुए हैं 2012 से लेकर 2015 के बीच में।
इनफैक्ट अगर आप देखो तो डेथ पेनाल्टी की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट पहले अपना जजमेंट सुना चुका है 1980 में बच्चन सिंह केस में और दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम में ही आपको डेथ पेनल्टी देनी है। अभी के लिए देश में 488 प्रिजनर्स डेथ रो पे हैं। रीसेंट एग्जीक्यूशन मार्च 2020 में हुआ था जब 2012 के दिल्ली गैंग रेप के जो परपेट्रेटर्स थे उनको तिहाड़ जेल दिल्ली में एग्जीक्यूट किया गया फांसी पे चढ़ा के। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी, मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस की है। नेक्स्ट बाय जीएस पेपर टू हेल्थ एमिड प्रोटेस्ट राजस्थान बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू पास राइट टू हेल्थ बिल। तो भैया प्राइवेट डॉक्टर्स राजस्थान के अंदर एजिटेशन कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और सरकार के ऊपर जू नहीं रहेंगी। उन्होंने ओवरऑल राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान के अंदर पास कर दिया है और मैं बताऊंगा ये बहुत रेवोल्यूशनरी बिल है लेकिन इसके कुछ लीगल आप कह लो एप्रीहेंशंस भी हैं। बेसिकली बहुत से लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है ये पर्टिकुलर बिल। देखते हैं कैसे। इस पर्टिकुलर बिल के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर बीमारी की हालत में इमरजेंसी की हालत में गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचता है या प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसको पैसे के आधार पर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जाएगा हर उस पेशेंट को राजस्थान के जो कि राजस्थान के किसी सरकारी हॉस्पिटल के पास जा रहा है या प्राइवेट हॉस्पिटल के पास। अब सरकारी हॉस्पिटल में थे वैसे भी फीस निग्लिजिबल होती है दोस्तों। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओ एक रुपये का पर्चा बनता है, एक रुपए के पर्चे के बेसिस पे आपको डॉक्टर कंसल्ट करेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो कोई बड़ा डॉक्टर 1,000 या 1,500 रुपए तो कंसल्टेशन फीस ही ले लेता है, ठीक है ना। 500 तो 600 कंसल्टेशन फीस तो आज की डेट में नॉर्मल हो चुकी है। लेकिन अब सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो एक रुपए का पर्चा बनवा के बहुत लंबी लाइन लगती है, 100-200 लोग लाइन में खड़े रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं भाई, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जो राइट टू हेल्थ बिल है ये टेंशन देगा किसको, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, क्योंकि अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स पैसे ना होने के आधार पर इमरजेंसी ट्रीटमेंट रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई इंडिविजुअल आपके पास आ रहा है इमरजेंसी तो आपको उसको एडमिट करना है, उसको ट्रीटमेंट देना है, ऐसा राज्य की सरकार का राइट टू हेल्थ बिल बोलता है। इस पर्टिकुलर बिल को 22 सितंबर लास्ट ईयर राजस्थान के स्टेट लेजिस्लेटिव में पुटअप किया गया था, बाद में सेलेक्ट कमेटी के पास गया, सेलेक्ट कमेटी के बाद हाउस में आया, हाउस में वॉइस वेट से पास हो गया। इस पे इनपुट भी मांगे गए थे अलग अलग प्लेयर्स के। तो ये बिल स्टेट के हर रेजिडेंट को राइट टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट का अधिकार देता है। इस राइट टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए किसी रिक्विजिट फी या चार्जेस की जरूरत नहीं, मतलब आपको प्री पे करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल शुरू में पेशेंट वहां पहुंचेगा, इमरजेंसी है तो अब क्या होता है ना कि इमरजेंसी है तो प्राइवेट हॉस्पिटल बोलता है ना 2 लाख रुपए जमा करो, ये डॉक्टर की फीस वो डॉक्टर की फीस, कुछ नहीं, सबसे पहले ट्रीटमेंट करो। ट्रीटमेंट के बाद अगर वो पेशेंट पैसा नहीं दे पाया तो राज्य की सरकार पैसा देगी। बस सरकार पैसा किस स्पीड पे देती है ये आप और मैं दोनों जानते हैं। इसीलिए जो प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं और जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं ओवरऑल राजस्थान के वो एजिटेशन कर रहे हैं। मेडिकल और हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीना जी ने ये बोला है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर के एक्सपेंसेस को रीइंबर्स कर दिया जाएगा अगर बिना प्री पेमेंट किए कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल इमरजेंसी केयर लेता है और बाद में पैसा नहीं दे पाता है। तो समझ गए, जो एजिटेटिंग डॉक्टर्स हैं उन्होंने बोला था कि उन्होंने भी अपने इनपुट दिए थे राइट टू हेल्थ बिल के रिस्पेक्ट में बट उनके इनपुट्स को यहां पे कंसीडर ही नहीं किया गया है। तो भैया प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स के जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो इस पर्टिकुलर बिल के प्रोविजंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको ड्रैकोनियन बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्राइवेट हेल्थ सेक्टर यहां पे अनसस्टेनेबल हो जाएगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऑब्वियस ही बात है आप पैसा देके ट्रीटमेंट कराते हो, अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे हो आपका ट्रीटमेंट होगा ही नहीं। और राज्य की सरकार यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर कंडीशन डाल रही है कि वो पैसा नहीं भी देगा तो भी तुम्हें ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। अब राज्य की सरकार लॉजिक क्या दे रही है, राज्य की सरकार लॉजिक ये दे रही है कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं राजस्थान के इनको फ्री में लैंड एलोकेट किया है राज्य की सरकार ने, या फिर बहुत सारे केसेस में कंसेशनल रेट पे एलोकेट किया है, तो हमने अगर तुमको सस्ते में इतना महंगा लैंड दिया है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करो, ठीक है भाई। तो ये सब चीज़ें ओवरऑल यहाँ पर बताई गई हैं। तो मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट किए बिना मेडिसिन दीजिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करिए, आप पैसे नहीं चार्ज करेंगे उसको प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट देंगे। अब इस कंटेक्स्ट में ऑब्वियस ही बात है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का दिमाग खराब हो जाएगा क्योंकि उनको लगेगा कि फिर पैसे कहाँ से आएंगे, समझ गए, चूंकि अब लीगली वो लोगों को मना ही नहीं कर सकते। अब देखा जाए दोस्तों एक एस्पेक्ट देखो तो ये बिल रेवोल्यूशनरी है, इस प्रकार के नियम कानूनों की इंडिया के अंदर जरूरत है।
क्योंकि राजस्थान की सरकार साफ साफ बोल रही है कि प्री पेमेंट के बिना आप ट्रीटमेंट करो, और ट्रीटमेंट के बाद का पैसा अगर पेशेंट नहीं दे पाता है तो सरकार से आके ले लो। अब सरकार पेमेंट तब करेगी जब सरकार के पास पैसा होगा। कई बार ऐसा होता है कि बजट में पैसा नहीं बचा तो किसी एक पर्टिकुलर स्कीम को कम पैसा एलोकेट किया सरकार ने, सरकार तो उस हिसाब से पैसा देगी ना कि भाई ओवरऑल आपके पास पैसा है कि नहीं है। तो अब ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स राज्य की सरकार को फोर्स नहीं कर सकते कि तुमने बोला था कि पैसा दोगे और तुमने दिया नहीं। बट ओवरऑल ये राइट आप इम्प्लीमेंट तब करोगे जब आपके पास उसको इम्प्लीमेंट करने का पैसा हो। तो ठीक है, सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर ये अकाउंटेबिलिटी तो डाल दी है कि आपके पास कोई इमरजेंसी में आए तो बिना पैसा लिए उसको ट्रीटमेंट दो, फॉर्मेलिटी मत पढ़ो। लेकिन ये हॉस्पिटल्स क्या दे पाएंगे? क्या इनके पास ये पैसा है? मोस्ट प्रॉब्ली ओवरऑल इस पर्टिकुलर डिसीजन के अगेंस्ट ये प्राइवेट हॉस्पिटल राजस्थान हाईकोर्ट में जाएंगे और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। तो बेसिकली फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ राइट टू हेल्थ ये तो यहाँ पे फुलफिल कर रही है राज्य की सरकार, बट चूंकि इसको फुलफिल करने का पैसा नहीं है यहाँ पे ओवरऑल सरकार के पास, चूंकि देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स ट्रीटमेंट के बाद जो बिल भेजेंगे ना राज्य की सरकार को, राज्य की सरकार उसको जल्दी क्लियर करने वाली नहीं है। और बात यह कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कम लोग जाते हैं, केवल वही लोग जाते हैं जो पैसा अफोर्ड कर सकते हैं। अगर पैसा नहीं देना है तो भीड़ जाएगी, जत्थे का जत्था जाएगा। तो उतनी कैपेसिटी एक प्राइवेट हॉस्पिटल के पास होगी भी कि ट्रीट करने की, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो ये कुछ इश्यूज हैं, आगे आने वाले समय में इस पर्टिकुलर इशू पे क्लैरिटी आएगी। नेक्स्ट, जीएस पेपर 3, इंडिया मिसेस रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टारगेट ड्यू टू लो सोलर रूफ टॉप विंड एनर्जी प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन पार्लियामेंट्री पैनल। तो पार्लियामेंट्री पैनल ने यह बोला है कि ओवरऑल जो हमारा टारगेट था 175 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टारगेट बनाने का 2022 के एंड तक, वो हम इसलिए पूरा नहीं कर पाए हैं क्योंकि रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन कम हुआ है और जो विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनका इंस्टॉलेशन भी कम हुआ है। इंडिया ने यहाँ पे एक एम्बिशियस टारगेट सेटअप किया था ऑफ इंस्टॉलिंग 175 गीगावाट ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय ईयर 2022। 175 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में 100 गीगावाट सोलर था, 60 गीगावाट विंड था, 10 गीगावाट बायो पावर था और 5 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो पावर था। अब टोटल देखा जाए तो 175 गीगावाट में से 31 दिसंबर 2022 तक केवल 120.9 गीगावाट ही इंस्टॉल हो पाया है, और बचा मतलब जो लगभग 55-54 गीगावाट हम नहीं इंस्टॉल कर पाए उसकी वजह क्या बताई जा रही है? तो वजह यही बताई जा रही है कि लोगों ने अपने घरों के छत पे रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन नहीं हुए, कंपनियों ने अपने छत पे रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन नहीं लगवाया, विंड एनर्जी से रिलेटेड इंस्टॉलेशन कम हुए हैं, इसीलिए ओवरऑल यहाँ पे जो 175 गीगावाट का टारगेट हम पूरा नहीं कर पाए हैं, टोटल टारगेट का केवल 69% हम पूरा कर पाए हैं, ऐसा स्टैंडिंग कमिटी ऑन एनर्जी ने अपनी रिपोर्ट पे यहाँ पे सबमिट किया। लेकिन फिर भी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये रिपोर्ट बोल रही है कि 2014 से लेके अब तक जो रेन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 236% बढ़ी है। अब 2014 से लेके अब तक दोस्तों यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 2014 में जो करंट बीजेपी की सरकार है वो आई थी, तो थोड़ा बहुत एक पॉलिटिकल एलिमेंट भी है कि 2014 के बाद से रेन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन एकदम से तेज़ हो गया है, 236% बढ़ गया। अब देखिए तारीफ की बात तो है, इतनी तेजी से रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी पहली नहीं बढ़ी है जितनी अभी बढ़ी है। ठीक है भाई, टारगेट भारत सरकार का क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी का बोलना है कि 2030 तक इंडिया के अंदर नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट तक हम लोग लेके जाएंगे। मतलब ये जो रेन्यूएबल एनर्जी है इसका इंस्टॉलेशन को हम 500 गीगावाट तक लेके जाएंगे। इसके लिए एप्लीकेशन का समय सही समय पर अप्रूवल होना, अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो एप्लीकेशन का तो उसके प्रॉपर रीजन को नेशनल पोर्टल पर अपलोड करना, नेट मीटरिंग को इंस्टॉल करना। नेट मीटरिंग समझते हो? जैसे मान लो आपने अपने घर के ऊपर सोलर पावर्ड आपने वो लगा लिए, पैनल्स लगा लिए। अब मान लीजिए ओवरऑल कि आपके घर में बिजली का कंजम्पशन है 100 यूनिट का और वो सोलर पैनल 150 यूनिट पैदा कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा 50 यूनिट पैदा हो रही है वो आप ग्रिड में फीड कर सको, इसको आप बोलते हो नेट मीटरिंग। तो मीटर लगे होते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स आपके घर में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी मीटर आपको ये बताते हैं कि आपने कितने यूनिट बिजली कंज्यूम की। बट अगर आप कम यूनिट बिजली कंज्यूम कर रहे हो जितनी आपके घर के सोलर टॉप में पैदा हो रही, तो एक्स्ट्रा एनर्जी यूनिट्स को आप ग्रिड में फीड कर सको, इसको आप बोलते हो नेट मीटरिंग का कंसेप्ट। ये इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को भी अवेलेबल कराया जाना चाहिए, कॉर्पोरेट्स को भी अवेलेबल करवाया जाना चाहिए, एग्रीकल्चरल फार्मर्स को भी अवेलेबल करवाया जाना चाहिए, ये भी यहाँ पे करने की बात की जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन की बात की जाए, एज ऑफ 31 जनवरी 2023 तो सेंट्रल सेक्टर में जनरेशन कैपेसिटी है 99 गीगावाट्स की,
स्टेट सेक्टर में 104 या लगभग कह लीजिए 105 गीगावाट्स की और प्राइवेट सेक्टर में लगभग 207 गीगावाट्स की। इसमें अगर आप फॉसिल फ्यूल बेस्ड देखें एज ऑफ 31 जनवरी 2023 तो कोल बेस्ड है 204,000 मतलब 204 गीगावाट या फिर कह लीजिए 200,000 मेगावाट। फिर लिग्नाइट बेस्ड 6.6 गीगावाट, गैस बेस्ड 24.8 गीगावाट और डीजल 0.589 गीगावाट। डीजल का मैक्सिमम कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए होता है लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। और ओवरऑल नॉन फ्यूसिल फ्यूल बेस्ड रेन्यूएबल एनर्जी देखी जाए तो हाइड्रो पावर से पैदा होती है 46.8 गीगावाट, विंड सोलर और अदर रेन्यूएबल एनर्जी से 121.5 गीगावाट, सिर्फ विंड से 41.9 गीगावाट, सिर्फ सोलर से 63.8 गीगावाट। तो ये ओवरऑल आप देखो तो इंस्टॉलेशन कैपेसिटीज है। तो जो टोटल 411,649 गीगावाट्स इंस्टॉल्ड है इसमें से ओवरऑल फॉसिल फ्यूल बेस्ड है 236 गीगावाट, मतलब 411 गीगावाट्स में जो 236 गीगावाट 57.4% फॉसिल फ्यूल बेस्ड है और 175 गीगावाट लगभग 42.5% नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड है। ठीक है भाई, ये बातें यहाँ पे बताई जा रही है। अगले न्यूज पे आ जाते हैं, जीएस पेपर 3, ओडिशा डिक्लेयर्स गंदमर्दन हिल्स एट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो ओडिशा की सरकार ने फाइनली गंदमर्दन हिल रेंजेस को, जिसके अंदर दो यूनिट्स हैं, एक बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट एक बालांगीर डिस्ट्रिक्ट, इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। डेकेड्स लंबा ओवरऑल पीपर का रेवोल्यूशन यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है। बॉक्साइट माइनिंग के अगेंस्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस शुरू किया था आम लोगों ने और फाइनली यहाँ पे लोगों की जीत हुई है। अब इस पर्टिकुलर न्यूज को समझने के लिए आपको थोड़ा यहां पे हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1980s में पब्लिक सेक्टर कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बालको, जो कि वेदांता ग्रुप के अंदर आती है, इसने गंदमर्दन में बॉक्साइट की माइनिंग को शुरू किया और बॉक्साइट की माइनिंग को शुरू करने के लिए जो एक्सकवेशन मशीनरी थी, एपरेटस था, वो भी गंदमर्दन में पहुंचा दिया गया। फिर बालको एम्प्लॉयज के रहने के लिए वहां पे घर भी बना दिए गए। तो ओवरऑल जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बालको कंपनी सेटअप कर चुकी थी। लोगों को पता चला कि यार ये तो आउटसाइडर्स आके माइनिंग कर रहे हैं, आउटसाइडर भले ना हो, बालको भले इंडिया कंपनी हो, बट उनके लिए तो वो आउटसाइडर ही हो गए ना, कि आके उनके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उस नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के चक्कर आसपास की इकोलॉजी तबाह कर देंगे, क्योंकि जहां पे माइनिंग होगी आसपास की इकोलॉजिकल कंजर्वेशन को तो आप भूल ही जाओ। तो लोगों ने 1983 से लेके 1991 के बीच में एक ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस यहां पे चलाया है माइनिंग प्रपोजल के अगेंस्ट। उन्होंने बॉक्साइट माइनिंग को चलने ही नहीं दिया और उनका आप कह लो रेवोल्यूशन, उनका जो रेजिस्टेंस था वो इतना ऑर्गेनाइज था कि इस माइनिंग प्रपोजल को सरकार को रोकना पड़ गया। ठीक है ना, सरकार इसको चला ही नहीं पाई। ठीक है ना भाई, तो पीपल का रेजिस्टेंस यहां पे सक्सेसफुल हुआ है। तब खास बात यह है कि ओवरऑल इस इलाके में क्या क्या पाया जाता है, इसकी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, ये सब हम लोग यहां पे समझेंगे। स्टेट फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया और बोला कि गंदमर्दन हिल्स का 18,963.898 हेक्टेयर का इलाका, जिसमें बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है 12,431.8 हेक्टेयर्स का इलाका और बेलंगीर में आता है 6,532.098 हेक्टेयर्स का इलाका, ये अब कहलाएगा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ठीक है, और ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर करना यहाँ पे इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि ओडिशा बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को बहुत से इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन से लगातार ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप गंदमर्दन को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर करिए। देखिए, माइनिंग बॉक्साइट की वहाँ पे बंदी हो चुकी थी लेकिन ओवरऑल इस पर्टिकुलर इलाके को कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिला था। लीगल प्रोटेक्शन मिलने के लिए इस पर्टिकुलर इलाके को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। ओडिशा की ये तीसरी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, पहली थी आपकी मंदसूरू गॉर्ज इन कंधमाल डिस्ट्रिक्ट और दूसरी थी महेंद्रगिरी हिल रेंज इन गजपति डिस्ट्रिक्ट। ठीक है भाई, तो ये आप कह लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इसमें से कौन कौन सी है या लेटेस्ट कौन डेजिग्नेट हुई है ये आपको पता होना चाहिए। नोटिफिकेशन यहाँ पे क्या बोलता है, एट प्रेजेंट द रिच बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑफ दिस कल्चरल लैंडस्केप आर अंडर प्रेशर ड्यू टू वेरियस एंथ्रोपोजेनिक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज एसोसिएटेड विद द बायो रिसोर्सेज ऑफ द हिल इज डिक्लाइनिंग द लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑफ द गंदमर्दन हिल इज ऑफ अटमोस्ट सिग्निफिकेंस फॉर द स्टेट। ये नोटिफिकेशन ने यहाँ पे बोला। गंदमर्दन हिल बलांगीर और बारगढ़ दोनों डिस्ट्रिक्ट में आता है, ट्रेजर ट्रोव है ये मेडिसिनल प्लांट्स का, आयुर्वेदिक पैराडाइज है ये ओडिशा का, सरकार का बोलना है। ये जो इकोलॉजिकल फ्रेजाइल इकोसिस्टम है ये रिच है फ्लोरल और फॉनल बायोडाइवर्सिटी में,
आप कह सकते हो कि इसके डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, इसीलिए यहाँ पे उड़ीसा के लोगों ने इसके लिए लड़ाई की और फाइनली इस लड़ाई को जीता। इस पर्टिकुलर इलाके में अगर फ्लोरल डाइवर्सिटी की बात की जाए तो 1055 प्लांट स्पेशीज पाई जाती है, जिसमें 859 एंजियोस्पर्म्स, 56 पेटेडेरोफाइट्स, 40 ब्रायोफाइट्स, 45 लिचेंस, 2 जिम्नोस्पर्म्स, तो 63 स्पेशीज ऑफ मैक्रोफंगी पाए जाते हैं। वहीं पर अगर आप फॉनल डाइवर्सिटी की बात करो तो 500 स्पेशीज एनिमल्स की, जिसमें 43 मैमल्स, 161 बर्ड्स, 44 रेप्टाइल्स, 16 एम्फीबियंस, 118 बटरफ्लाइज, 27 ड्रैगन फ्लाइज, 7 डेमसल फ्लाइज और 83 स्पेशीज स्पाइडर के। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी हैं यहाँ पे, जैसे कि नृसिंहनाथ टेम्पल जो कि नॉर्दर्न स्लोप पे है इस गंधमर्दन हिल में, और हरिशंकर टेम्पल जो कि साउदर्न स्लोप पे है फुट हिल्स में गंधमर्दन हिल में। इनका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है और इस पर्टिकुलर हिल के बारे में हुएन त्सांग ने भी अपने क्रॉनिकल्स में बात की है। इसको एक बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट बताया था, नेम्ड परिमलगिरी, जब हुएन त्सांग इंडिया में आया था। बताइए हुएन त्सांग इंडिया में कब आया था, ये एक मेरा सवाल है आपसे, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो दे आर वेल डिफाइंड एरियाज दैट आर यूनिक इकोलॉजिकली फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स, टेरेस्ट्रियल, कोस्टल एंड इनलैंड वाटर्स एंड मेरीन, हैविंग रिच बायोडाइवर्सिटी कंप्राइजिंग ऑफ एनी और वन ऑफ मोर ऑफ द कंपोनेंट्स। तो रिचनेस ऑफ वाइल्ड एज वेल एज डोमेस्टिकेटेड स्पेशीज है, हाई एंडेमिज्म है, प्रेजेंस है रेयर और थ्रेटन्ड स्पेशीज का, कीस्टोन स्पेशीज है, स्पेशीज ऑफ इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है, वाइल्ड सिस्टर्स हैं डोमेस्टिक कल्टिवेटेड स्पेशीज के, प्रास्ट प्रीमिनेंस है बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स का, एस्थेटिक या एथिकल वैल्यू है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, या फिर एक लॉन्ग हिस्ट्री है इन सब चीज़ों के साथ ह्यूमन एसोसिएशन की, तब जाके ओवरऑल एक पर्टिकुलर इलाके को आप बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डेजिग्नेट कर सकते हैं। चलिए भाई अगले न्यूज़ पे आते हैं, जीएस पेपर 2 बायलेटरल रिलेशंस, इंडिया एंड यूएस वर्किंग टू फाइनलाइज एयर इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट। ये क्या चीज़ है? तो भाई यहाँ पे इंडिया और यूएस जीएस पेपर 2 के रिस्पेक्ट में, इंटरनेशनल एग्रीमेंट और बायलेटरल रिलेशंस में, एयर इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट को फाइनलाइज कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो इंडिया और यूएस के बीच में पहले 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। किस किस की बात हो रही है? तो भैया लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हुआ था 2016 में, इसको आप बोलते हो लेमोवा। फिर एक कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कॉमकासा, ये हुआ था 2018 में। फिर एक बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्पैटियल कॉपरेशन बेसा 2020 में, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट जिसोमिया और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स एग्रीमेंट, ये 2019 में। बेसिकली ये एग्रीमेंट्स पुराने हैं। रिसेंटली अगर आप देखो तो एक इनिशिएटिव इंडिया और यूएस के बीच में शुरू हुआ है आईसेट नाम से, इसका फुल फॉर्म है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, बेसिकली अगर आप देखो तो DTTI इनिशिएटिव, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, ये आईसेट, ये डिफेंस ट्रेड एंड ये डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की डेट में आपसे ये पूछा जा सकता है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इज अ मल्टीलेटरल ऑब्लिक बाइलेटरल एग्रीमेंट ऑफ इंडिया विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, US, यूरोपियन यूनियन। इस तरीके के क्वेश्चंस बन जाते हैं, आसान होगा बट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ठीक तरीके से टॉपिक नहीं पता है तो इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन में भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इंडिया यूएस के बीच में, याद रखिएगा। डिफेंस ट्रेड और टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव के अंदर को डेवलपमेंट हो रहा है हाईटेक वेपन सिस्टम्स का, उसको एक स्टेप आगे लेके जाता है ये आईसेट, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अब इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो एक एयर इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट भी यहां पे पास ऑन हो रहा है। तो इन अरेंजमेंट्स के साथ अब एक एयर इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट भी इंडिया यूएस साइन कर रहे हैं। इसमें एयर सर्वेलेंस के ऊपर बातचीत होगी, जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ जेट इंजन्स एंड स्पेस कैपेबिलिटीज के ऊपर इंडिया यूएस आपस में एक दूसरे के साथ इंगेज करेंगे। मिस्टर कैंडल जो कि सेक्रेटरी हैं यूएस एयरफोर्स के, इनका क्या बोलना है कि द यूएस इज मूव्ड फॉरवर्ड मोर देन इट डिड इन द पास्ट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी शेयरिंग विद इंडिया। इंडिया इज अ मेजर डिफेंस पार्टनर एंड वी शेयर सिक्योरिटी कंसर्न्स, वी शेयर इंटरेस्ट इन द इंडो पैसिफिक रीजन एंड द ग्लोब एज वेल। तो ये क्लियर कट बोल रहे हैं कि इंडिया एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी डिफेंस पार्टनर है यूएस का, आगे आने वाले समय में इंडिया यूएस के बीच में बायलेटरल एंगेजमेंट्स बढ़ेंगे। अभी के लिए देखिए तो जनरल इलेक्ट्रिक नाम की जो यूएस कंपनी है वो इंडिया का जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ना LCA MK2 और जो इंडिया का फिफ्थ जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इसमें लगने वाले जो GE 414 जेट इंजन्स हैं उसको इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मैकेनिज्म के अंदर बनाना चाहता है।
तो जनरल इलेक्ट्रिक नाम की कंपनी इंडिया के जेट इंजन के लिए इंजन बनाएगी और उसके लिए टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ शेयर करेगी, लेकिन जीई इससे पहले इंजन बना पाए यूएस की सरकार से अप्रूवल लगेगा। उस अप्रूवल को यूएस की सरकार मोस्ट प्रोबेबली प्रोड्यूस कर रही है और अप्रूवल मिल ही जाएगा जैसा अभी का इंडिया यूएस बायलैटरल रिलेशन चल रहा है। नेक्स्ट भाई, जीएस पेपर टू, IMF अपूस $3 बिलियन बेल आउट फॉर श्रीलंका इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो IMF ने 20 मार्च को $3 बिलियन की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी श्रीलंका को फॉरवर्ड कर दी। इसके ऊपर महीनों से डिस्कशन चल रहा है दोस्तों, और ये जो $3 बिलियन के लोन की एप्लीकेशन को अप्रूव किया है IMF ने, इससे ओवरऑल और लोन की फैसिलिटी भी श्रीलंका के लिए खुल जाएगी। ओवरऑल विक्रम सिंघे, रानिल विक्रम सिंघे ने अनाउंस किया है कि श्रीलंका इज नो मोर बैंकक्रप्ट। IMF ने अपने 17th एग्रीमेंट में श्रीलंका के साथ क्या बोला, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी सपोर्टेड प्रोग्राम आर टू रिस्टोर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड डेब्ट सस्टेनेबिलिटी, सेफगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड स्टेपिंग अप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स टू अनलॉक श्रीलंका ग्रोथ पोटेंशियल। फिर ये भी बता रहे हैं कि करप्शन एक की इशू है, मतलब IMF का गवर्नेंस डायग्नोस्टिक मिशन ये बता रहा है कि श्रीलंका के गवर्नर स्ट्रक्चर में करप्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए एंटी करप्शन फ्रेमवर्क भी यहां पे सेटअप किया गया है श्रीलंका के गवर्नेंस स्ट्रक्चर में, ऐसा IMF ऑफिशियल्स। मतलब इस ओवरऑल एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अंदर जो पैसा दिया जा रहा है, इस पैसे को देने के लिए बहुत सारी कंडीशंस इंपोज की गई हैं। पहली बात तो ओवरऑल 3 बड़े लेंडर से यहां पे NOC ली गई है, एक तो इंडिया और जापान से NOC ली गई है जो कि पेरिस क्लब के ग्रुप ऑफ क्रेडिटर का पार्ट है। जापान एक्चुअली में पेरिस क्लब ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स का पार्ट है, इंडिया नहीं। और चाइना से NOC ली गई। अब चाइना NOC आराम से दे नहीं रहा था, चाइना का यह बोलना था कि बायलेटरल कंट्री से आप NOC क्यों ले रहे हो, जो बहुत सारे वेस्टर्न प्राइवेट डेब्ट गिवर्स हैं उनसे भी तो NOC लो, बहुत सारे प्राइवेट पार्टीज ने भी श्रीलंका को लोन ले रखा है, तो उनसे क्यों नहीं NOC ले रहे हो, वो क्यों नहीं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को रिलैक्स कर रहे हैं, केवल कंट्री बेसिस पे टर्म्स एंड कंडीशंस क्यों रिलैक्स की जाए। बट फाइनली चाइना ने भी यहां पे NOC दे दी। तो मेन 3 लेंडर्स थे श्रीलंका के, इंडिया, जापान और चाइना, तीनों ने NOC मिल गई। इसके बेसिस पे $3 बिलियन श्रीलंका के पास जाएगा, श्रीलंका ने तीनों को थैंक यू बोला है। खास बात दोस्तों यहां पे ये है कि इस $3 बिलियन के साथ कुछ और पैसा यहां पे श्रीलंका को दिया जा सकता है, तो जो IMF का पैकेज है ना, ये पोटेंशियली $7 बिलियन रिलीज करवा सकता है श्रीलंका के लिए थ्रू IMF एंड अदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो रानिल विक्रम सिंघे यहां पे अनाउंस कर रहे हैं कि श्रीलंका इज नो लॉन्गर अ बैंकक्रप्ट कंट्री, ऐसा इन्होंने अपने टेलीवाइज एड्रेस में बोला। और IMF का जो प्रोग्राम है ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को एश्योरेंस देता है कि श्रीलंका अगर उधार ले रहा है तो वो अपने उधार को चुका भी देगा। यहाँ पे पेरिस क्लब की बात की गई है, तो पेरिस क्लब एक ग्रुप है वेस्टर्न क्रेडिटर कंट्रीज का, ये बना था 1956 में। एक्चुअली में अर्जेंटीना में 1956 में एक मीटिंग हुई थी इस बारे में कि अर्जेंटीना को जो डेब्ट दिया जा रहा है वो अर्जेंटीना कैसे सर्विस करेगा, तो उसी समय पे ये पेरिस क्लब ऑफिशियली बना था। तो ये जो पेरिस क्लब है ये एक ऐसा फोरम है जो कि इसके ऑफिशियल क्रेडिटर मेंबर को ओवरऑल ये लेवरेज देता है कि डेप्टर कंट्रीज की पेमेंट डिफिकल्टीज को ये सॉर्ट आउट कर सके, और ये डेप्ट रिलीफ सॉल्यूशंस सस्टेनेबल तरीके से ढूंढता है उन कंट्रीज के लिए जो कि अपनी बायलेटरल लोन्स को नहीं चुका पा रही। ठीक है भाई, तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बोली जा रही है। लेकिन अब इस पर्टिकुलर न्यूज का एक और फैसेट है, यहां पे इस न्यूज को देख के आपको लगेगा कि यार श्रीलंका की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बट एक्चुअली में सॉल्व नहीं हुई दोस्तों। श्रीलंका अपने आप एक बहुत बड़ी कंट्री है और $3 या $7 बिलियन श्रीलंका की सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है। कई श्रीलंकन इकोनॉमिस्ट ने यह बोला है कि अगले 4 साल में जो $3 बिलियन आएगा IMF से, इसमें बाकी $4 बिलियन भी आप जोड़ दो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, तो भी ओवरऑल श्रीलंका में जिस लेवल की इकोनॉमिक क्राइसिस आई है वो रिजॉल्व नहीं हो पाएगी। फिस्कल चैलेंजेस ड्यू टू अ ह्यूज डेप्ट बर्डन बने रहेंगे, एक्चुअल रिकवरी होना मुश्किल होगा। इसकी एक और वजह है, ये जो $3 बिलियन देने का प्रॉमिस किया है ना IMF ने, इसके बदले में श्रीलंका से बहुत सारे पॉलिसी मेजर्स के ऊपर एश्योरेंस भी लिया गया है, और वो पॉलिसी मेजर्स टैक्सेस को बढ़ा रहे हैं, बैंकिंग इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहे हैं, एनर्जी की कॉस्ट को 3 गुना कर रहे हैं। मतलब अब कस्टमर्स पहले जितना एनर्जी के लिए पैसा दे रहे थे उनको 3 गुना देना पड़ेगा, तो ऑलरेडी श्रीलंका के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, लोगों के इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़े हुए हैं, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, और IMF की टर्म्स एंड कंडीशंस लगाएंगे तो लोगों को इस महंगाइयों में और झटका पड़ेगा, और भारी पड़ेगा। तो भले ही यहाँ पे श्रीलंका की सरकार ने IMF की टर्म्स एंड कंडीशंस को माना है, लेकिन लोग इन टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं मान रहे हैं, लोगों के लिए जिंदगी मुश्किल हो रही है और लोग यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
अगर आप देखो तो बहुत सारे जो वर्कर यूनियन है वो सड़कों पर उतर आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। तो रानिल विक्रमसिंघे ने प्रोटेस्ट को क्वेल करने के लिए पुलिस को लगा दिया, तो पुलिस ने टीयर गैस फाइल किए, वाटर कैनन फेंके प्रोटेस्टर्स के ऊपर। तो लॉन्ग टर्म में ये फाइनेंशियल रिलीफ एक्चुअली में श्रीलंका को कितना रिलीफ देगा ये तो भाई देखो आगे आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। क्योंकि पहली बात तो श्रीलंका के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं ये $3 बिलियन ज़्यादा है नहीं, दूसरा इस $3 बिलियन को भी लेने के लिए बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि लोगों के लिए अनपॉपुलर मेजर सामने लेके आएंगे, लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे वो अपने आप में इशू है। फिर अगली न्यूज़, एंटी सबमरीन क्राफ्ट INS एंड्रोथ लॉन्च। तो भैया एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट ASWSWC ऐसी 8 बना रहा है इंडिया, इसमें पहली लॉन्च हो चुकी है। पहला जो शिप था इस सीरीज का वो था INS अर्नला जो कि 3 महीने पहले लॉन्च हुआ था। INS एंड्रोथ दूसरा है, ये जो INS एंड्रोथ ही जो नाम है वो आता है एंड्रोथ आइलैंड से, जिसको कभी कभी एंड्रोथ आइलैंड भी बोला जाता है, लक्षद्वीप आर्के पिलाजो में ये आइलैंड पड़ता है। तो इस आइलैंड के नाम पे इस पर्टिकुलर शिप का नाम पड़ा है। इस शिप में लाइट वेट टॉर्पीडोज हैं, ASW रॉकेट्स हैं, माइंस हैं, क्लोज इन वेपन सिस्टम है, 30 mm की गन, 16.7 mm स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन्स हैं, ठीक है भाई। इसमें हल माउंटेड सोनार है, लो फ्रिक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार है। काम क्या है इस पर्टिकुलर आप कह लो एंटी सबमरीन क्राफ्ट INS एंड्रोथ का, तो एंटी सबमरीन तो बेसिकली इसका प्राइमरी रोल है एंटी सबमरीन ऑपरेशन करना कोस्टल वाटर में। अगर हमारे कोस्टल वाटर में कोई सबमरीन घूम रही है किसी दुश्मन देश की तो उसको आइडेंटिफाई करना और उसको न्यूट्रलाइज करना ये इसका काम है। उसके बाद मैरीटाइम ऑपरेशंस लो इंटेंसिटी का ये भी कर सकता है INS एंड्रोथ, माइंड लेइंग ऑपरेशंस भी कर सकता है, तो डीप समुंदर में जाके कुछ आपको एक्सप्लोरेशन करना हो या कुछ बिछाना हो तो भी उसमें ये काम आ सकता है। इसमें 3 डीजल ड्रिवन जेट्स लगे हुए हैं, इन शिप्स की मैक्सिमम स्पीड 25 नॉट्स तक जा सकती है। इसको बनाया गया है गार्डन रीफ शिप बिल्डर्स के द्वारा कलकत्ता में। ओके 76 मीटर लंबा है, 10.5 मीटर चौड़ा है, ड्रॉट है इसमें 2.7 मीटर का। बताइए शिप के ड्रॉट का क्या मतलब होता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो भैया यहाँ पे होता है आपका करंट अफेयर्स ख़त्म। करंट अफेयर्स दोस्तों थोड़ा सा बड़ा हो गया चूंकि न्यूज़ ज़्यादा थी और थोड़ी ज़्यादा एनालिटिकल थी और अनफॉर्चुनेटली आज का एडिटोरियल भी बड़ा है, तो बट ठीक है कभी कभी लेक्चर्स बड़े हो जाते हैं बट काम के तो हैं। एडिटोरियल डिस्कशन की बात करते हैं दोस्तों, एडिटोरियल डिस्कशन में पहला डिस्कशन डिस्क्रिमिनेशन इन द IIT। सब बेसिकली यहाँ पे थोड़ा कास्ट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, इसलिए मैं बोलूँगा कि आर्टिकल हल्का सा सेंसिटिव हो सकता है आपके लिए। वीडियो को लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा दीजिएगा अब तक नहीं दबाया तो, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अभी हुआ क्या रिसेंटली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 12 फरवरी 2023 को एक बच्चे दर्शन सोलंकी ने अपनी जान ले ली, सुसाइड कमिट कर लिया, ही वॉज अ दलित। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने 12 मेंबरी कमेटी बनाई इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए। इस कमेटी ने 2 मार्च को रिपोर्ट सबमिट की और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अलग अलग कोर्सेज में दर्शन सोलंकी के जो नंबर हैं वो सेकेंड हाफ ऑफ द ऑटम सेमेस्टर से थोड़े कम होने लगे थे और उसकी डेटेरिएटिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस के चलते उसके ऊपर इम्पैक्ट आया था, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर ओवरऑल जो दर्शन की बहन है उसके स्टेटमेंट में पता चलता है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ है दर्शन सोलंकी के अगेंस्ट, बाकी कहीं से ओवरऑल कुछ प्रूफ निकल के नहीं आ रहा है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का। लेकिन ऑथर यहां पे चीजों को डेसिफर करके बता रहा है कि केवल प्रूफ निकल के आए कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का ऐसा जरूरी नहीं है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत अलग तरीकों से भी होता है आज की डेट में। नॉर्मल कर केसेस में दोस्तों कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पहले कैसे होता था, अपर कास्ट वाला लोअर कास्ट से बोलेगा कि ये तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ से पानी नहीं पी सकते, यहाँ से खाना नहीं खा सकते, इस प्रकार की दखनियावनी सी बातें पहले चलती थी। अब जमाना थोड़ा एडवांस हो गया लेकिन इस एडवांस जमाने में भी कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन एग्जिस्ट करता है। और प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे ये है कि इसको प्रूव करने के टूल्स बहुत लिमिटेड है, क्योंकि आज की डेट में इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन बहुत आउटराइट नहीं है। आज की डेट में नॉर्मल कर आपको ओपनली कोई अपर कास्ट का बंदा नीचे के कास्ट के बंदे को चिल्लाता, गालियां देता है, कुछ बकवास करता नजर आए, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत से लीगल मैकेनिज्म है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बना हुआ है, वहां पर रिपोर्ट फाइल हो सकती है, कॉलेज की इंटरनल कमेटी आपके अगेंस्ट एक्शन ले लेगी, सरकार आपके अगेंस्ट एक्शन ले लेगी, कोर्ट में आपके अगेंस्ट अपील फाइल हो सकती है। तो बहुत से आप कह लो डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए लीगल टूल्स हैं, बट उसके बावजूद भी यहां पे ओवरऑल डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है और ये बहुत लेयर्ड तरीके से एग्जिस्ट करता है। जरूरी नहीं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन दिखाने के लिए एक अपर कास्ट वाला एक डिप्रेस क्लास के बंदे को गालियां ही दे या कुछ उल्टी सीधी बातें सुनाए। कभी कभी जब आप एक ऐसा एटमोसफियर बनाते हो जिसमें आप ये सोच लेते हो कि भाई हम तो ऊंची जात के हैं बाकी नीची जात वाले अलग, तो ये एस आर और दम का जब एटीट्यूड बन जाता है ना कि हम अलग हैं
और बाकी अलग है, ये भी डिस्क्रिमिनेशन कॉज करता है, ये भी सेग्रीगेशन कॉज करता है, ये भी डेली के बेसिस पे एक पर्टिकुलर बंदे को परेशान कर सकता है अगर वो बंदा सेंसिटिव हो। अभी जो दर्शन सोलंकी नाम का बच्चा था, बहुत सेंसिटिव रहा होगा, कुछ ना कुछ इसके अगेंस्ट ऐसा हुआ होगा कि वो बेचारा टेंशन में आ गया होगा और उसने यहां पे सुसाइड जैसा कदम उठा लिया। तो वो क्या हुआ है इस पर्टिकुलर रीजन, देखिए हर इंसान इतना सेंसिटिव नहीं होता, ठीक है ना। आज की डेट में अवेयरनेस आ गई लोगों के अंदर, उनके अगेंस्ट अगर आप कुछ बकवास करोगे तो वो लड़ने लगेंगे आपसे, भाई तूने कैसे बोल दिया ये। अच्छी बात है, अवेयरनेस होनी भी चाहिए इंसान के अंदर, लेकिन कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, उस लेवल पे वो अवेयरनेस, उस लेवल पे वो अपना यू नो इन्फ्लुएंस नहीं दिखा पाते हैं, शांत रह जाते हैं, चुप रह जाते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारे फॉर्म में होता है, फ्रोन, विंस, हैंड गेस्चर, चुप रह के भी डिस्क्रिमिनेशन दिखाया जाता है। तो कभी कभी ओवरऑल हो सकता है कि एक अपर कास्ट का बंदा अपने हायर कास्ट के होने के चलते एक डिप्रेस क्लास के बंदे से बात ही ना करे, वो उसको बात करने लायक ही ना समझे, तो ऑटोमेटिक सेग्रीगेशन हो जाएगा। उस पर्टिकुलर बंदे को लगेगा कि मेरी जात की वजह से मुझसे बात नहीं किया जा रहा। और यहाँ पे मेरिटोक्रेसी को भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है। एक पॉलिटिकल फिलोसफर है माइकल सैंडल, इनकी किताब है द टिरेनी ऑफ मेरिट, यहां पे मेरिटोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया गया। मेरिटोक्रेसी क्या होती है, देखिए मेरिट के बेसिस पे आगे बढ़ना। अब होता क्या है दोस्तों कि ये जो आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, आईएम हो गया, सरकारी नौकरियां हो गई, इसमें भाई रिजर्वेशन है, आप सबको पता है, और रिजर्वेशन को लेके अक्सर कर मेरिट में कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात की जाती है। तो आईआईटी के अंदर भी ऐसा होता होगा कि जो बच्चे पहुंचते, देखिए जब आप सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होकर पहुंचते हो तो दोस्तों आप अच्छे खासे बालिग हो चुके होते हैं, बहुत जल्दी बनोगे तो 21-22 साल की उम्र पर आईएएस बनोगे, ठीक है ना। नॉर्मल अगर 25-26-27-28 साल तो हो ही जाता है इंसान को आईएएस बनते बनते, तो उस समय पर आपके दिमाग में एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी आ जाती है, समझ आ जाती है, आप थोड़ा बहुत कास्ट धर्म इन सबसे ऊपर उठ जाते हो, पूरी तरीके से नहीं उठते हो बट हाँ ठीक है, मैच्योरिटी कहीं ना कहीं कास्ट बेस्ड फैक्टर के ऊपर डोमिनेट करने लगती है। लेकिन आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि आप बच्चे होते हो, आप में ज्यादा बुद्धि नहीं होती है, बस 12वीं कक्षा पास करके आप आ गए होते हो पढ़ने के लिए, 17-18 साल आपकी उम्र होती है, तो उस समय पर मैच्योरिटी का लेवल कम होता है। अब उस समय पे वो बच्चे जो कि टॉप रैंकर, सब आईआईटी बॉम्बे में जो टॉप रैंकर होंगे वो 10 रैंक, 15 रैंक, 20 रैंक, 50 रैंक, 100 रैंक तक के होंगे, आईआईटी वाले अपने आप में रैंक बहुत हाई होती हैं, तो उनके अंदर एक अलग ही प्रकार का एटीट्यूड होगा। और अगर वो अपर कास्ट के होंगे तो वो सोचेंगे कि कोई रिजर्वेशन के बेसिस पे हजारों में उसकी रैंक है और वो यहाँ पे आ गया तो ये तो हमारे साथ बैठने लायक ही नहीं है, इसकी तो इतनी दम ही नहीं है कि हमारे साथ बैठ सके, हमारे साथ कंपीट कर सके, ये तो उतने नंबर ही नहीं लेके आ पाया है, भाई रिजर्वेशन था तो हो गया, इस प्रकार की सोच रखते हैं लोग। और ये सोच बहुत डेंजरस होती है, ये सोच उन सेंसिटिव लोगों को बहुत अफेक्ट करती है जो जैसे तैसे करके पढ़ के वहाँ पे पहुँचे। क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा मेरिटोक्रेसी की बात कर रहा है वो इस बात को कंसीडर नहीं कर पा रहा है कि जो रिजर्वेशन लेके बच्चा आया कहीं ना कहीं पास्ट में उसको प्रॉब्लम हुई होगी। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलोगे कि सर पिताजी तो उनके आईएएस हैं, माताजी उनकी आईपीएस हैं, उसके बाद भी उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। तो देखिए अब बहुत से फैसेट्स हैं, जहाँ पे इन्फ्लुएंशियल फैमिली का बंदा है और ओवरऑल कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन लेके वो सेलेक्ट होकर आ जाता है वहाँ पर आपको लगेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि फैमिली से एडवांटेजेस नहीं होते हैं, उनको एक्चुअली में रिजर्वेशन की जरूरत थी और उसके बेसिस पे वो लड़के आगे तक आए और उनके खिलाफ अगर सेग्रीगेशन होता है तो उनको बुरा लगता है। तो ये जो मेरिटोक्रेटिक एविडेंस है, मेरिटोक्रेटिक एविडेंस, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अक्सर अगर आपने सुना भी होगा कि भाई अरे उनकी तो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन था इसलिए सिलेक्शन हो गया आईआईटी में, नहीं तो हो ही नहीं पाता। तो इस प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, वो कहीं ना कहीं एक बच्चे के सेंसिटिव दिमाग को इम्पैक्ट करता है। अब हर बच्चा सेंसिटिव नहीं है, हर डिप्रेस क्लास का या लोअर क्लास का बच्चा अपने खिलाफ अत्याचार डिस्क्रिमिनेशन झेल लेगा ऐसा नहीं है, बहुत से लोग लड़ने लगेंगे, लेकिन कुछ लोग सेंसिटिव हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, वो नहीं उतना फेस कर पाते हैं और फिर फाइनली आउटकम सुसाइड जैसी आप कह लो यू नो चीज़ निकल के आती है, जो कि दुखी करती है, सबको दुखी करती है। फिर भाई रैंक के बेसिस पे आईआईटी के अंदर आपको स्ट्रीम्स मिलती हैं, तो अच्छी रैंक है तो आईटी स्ट्रीम मिलेगी, बेकार रैंक है तो मैकेनिकल स्ट्रीम मिलेगी, तो ये सेग्रीगेशन भी कहीं ना कहीं रैंक से आ जाता है, तो वो भी एक ओवरऑल हायरार्की को और क्लास को बनाने वाली बात हो जाती है आईआईटी के अंदर। तो ये सब बातें बोली जा रही हैं। फिर ये बोला जा रहा है कि जो अपर कास्ट के बच्चे सेलेक्ट होकर आते हैं आईआईटी के अंदर, उनमें से बहुतों के पास फैमिली कनेक्शन होते हैं। अब देखिए समझिए, इस पर्टिकुलर न्यूज में आपको यह समझना पड़ेगा कि हर अपर कास्ट का बच्चा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता कास्ट के नाम पर, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हर लोअर कास्ट के बच्चे के अगेंस्ट भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है।
यहाँ पे जो लोग जनरलाइज कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जनरलाइज करने लगेंगे चीजों को कि हाँ यार ये अपर कास्ट वाले तो लोअर कास्ट के अत्याचार करते ही करते हैं। ये गलत सोच है, ये सोच मत रखना। बहुत से, ज्यादातर नहीं करते, लेकिन कुछ होते हैं अनसोशल एलिमेंट्स जो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो डिप्रेस क्लासेस में बच्चे हैं, सारे लोग उस डिस्क्रिमिनेशन को नहीं झेलते, ज्यादातर अपने राइट्स के लिए अवेयर हैं और वो आपको टोक देंगे। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, जो नहीं बोल पाते, वो बेचारे कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज रह जाते हैं। समझ गए बात को? तो चीजों को जनरलाइज मत करना। इन टॉपिक्स में बताया जा रहा है केस टू केस बेसिस पे चीजें वेरी करती हैं। तो कुछ ऐसे अपर कास्ट के बच्चे होंगे जिनके अंदर, जिनके पास फैमिली कनेक्शंस होंगे, एफ्लुएंस होगा, कल्चरल कैपिटल होगा, सोशल नेटवर्क्स होंगे, सक्सेसफुल होंगे उनके माँ बाप, उनके पास एवेन्यू अपॉर्चुनिटीज होंगी। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कास्ट के चलते उनके दिमाग में एक अलग ही प्रकार का घमंड होगा कि हम तो भाई ऊंची जात के हैं, तो वो ओवरऑल रिजर्वेशन से सिलेक्टेड बच्चों के अगेंस्ट रैत करेंगे, उल्टी सीधी बातें उनको सुनाएंगे, उनके बैड एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए उनके ऊपर अनड्यू प्रेशर डालेंगे, उनमें एंग्जाइटी कॉज करेंगे, और इसमें ओवरऑल दर्शन सोलंकी जैसा कोई बच्चा निकल के आएगा जिसको वो प्रेशर शायद ना झेला जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप देखिए दर्शन सोलंकी की ओवरऑल जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, बट ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि होता है। और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इतने प्रकार से होता है ना कि उसको सेग्रीगेट करना मुश्किल हो जाता है, उसको एक्चुअली में आइडेंटिफाई करना, डॉक्यूमेंट पे प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आज की डेट में सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन सीधे सीधे सुना के या कास्ट के नाम पे गाली दे के नहीं होता। आज बहुत प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन के मेथड्स अवेलेबल हैं जो कि कहीं ना कहीं सेंसिटिव बच्चे को परेशान कर सकते हैं। तो जरूरी यह है कि एम्पैथी की फीलिंग होनी चाहिए सबके अंदर, कल्चर ऑफ इक्वालिटी, डिग्निटी, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करने की जरूरत है। काश एक ऐसा दिन आए कि हर बच्चा इक्वली कैपेबल हो, कि भाई रिजर्वेशन में भी जो कट ऑफ जा रहे हो वो जनरल कैटेगरी के बराबर जा रहे हो, तो रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं रहेगी उस दिन। ये रिजर्वेशन को लेकर लड़ाई क्यों होती है कि आज की डेट में एक पर्टिकुलर कैटेगरी का कट ऑफ कम जा रहा है, अगर वो कट ऑफ भी कल की डेट में बढ़ जाता है, सारे कैटेगरी कट ऑफ बराबर हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली सारे सेक्शन बोल देंगे कि यार रिजर्वेशन खत्म करो, नहीं चाहिए। तो लेट्स सी किसी एक ऐसे दिन का हम इंतजार करें। फिर नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्टिव लुक एट चाइना लेड फ्रेमवर्क। डॉन मैकलैन गिल ने, फिलीपींस बेस्ड जियो पोलिटिकल एनालिस्ट हैं, ऑथर और डायरेक्टर हैं साउथ और साउथ ईस्ट एशिया फिलीपीन मिडिल ईस्ट स्टडीज एसोसिएशन के, ये बीजिंग के ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के ऊपर अपनी टिप्पणी दे रहे हैं और इनकी टिप्पणी काफी इफेक्टिव है। लैंटिंग फोरम में बीजिंग में 21 फरवरी को चाइना के फॉरेन मिनिस्टर किंग गांग ने यह बोला कि हम ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव का कंसेप्ट पेपर रिलीज कर रहे हैं। यह ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव एक चाइना लेड फ्रेमवर्क की तरह दिखाया जा रहा है जो कि पूरी दुनिया में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और खासकर एशिया में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी लेके आएगा। इसके लिए मिस्टर किंग गांग ने 5 मेजर पिलर्स आइडेंटिफाई किए हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ओपननेस एंड इंक्लूजन, मल्टीलैटरलिज्म, म्यूचुअल बेनिफिट और होलिस्टिक अप्रोच। ये सारे के सारे फीचर्स एक कंट्री है दुनिया में जो नहीं फॉलो करती और वो चाइना है। और चाइना इस ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के थ्रू ये बोल रहा है कि हम पूरी दुनिया में 5 चीज़ें लेके आएंगे। तो मतलब कोर भाषा में बोला जाए तो चाइना दुनिया को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये प्रिंसिपल्स चाइना लेके क्यों आ रहा है, इनका प्रमोशन क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना जियोपॉलिटिकली यूएस को काउंटर करता है। जियोपॉलिटिकली इंटरनेशनल डोमेन में यूएस बार बार ये बोलता है कि चाइना इन 5 प्रिंसिपल्स को मानता ही नहीं और इस बेसिस पे चाइना को क्रिटिसाइज करता है। तो चाइना यूएस के फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव में जवाब लेके आ रहा है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के फॉर्म में, जिसमें चाइना खुद इन 5 प्रिंसिपल्स का हार्बिंगर बनने की कोशिश कर रहा है। बट एक्चुअली में वो कभी इन 5 प्रिंसिपल्स का हार्बिंगर बन ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। खुद चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड इस बात को बताता है। कैसे? चाइना ने लगातार पहले यूनाइटेड नेशंस चार्टर को वायलेट किया है, इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है। चाइना लगातार अपने नेबर्स के अगेंस्ट बुलिंग करता है। अगर आप देखो तो साउथ वेस्टर्न बॉर्डर में, लद्दाख में चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे क्या कर रहा है इंडिया के साथ, ये सब जानते हैं। डेकेड से सेटअप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को चाइना ने यहाँ पे तोड़ा, बायलेटरल एग्रीमेंट्स को वायलेट किया, इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को चैलेंज किया। उसके साथ साथ चाइना साउथ चाइना सी में असर्टिव मैनूवर कर रहा है। ओवरऑल जो उसके साउथ एशियन नेबर्स है, फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, उनकी सोवरेनिटी को वायलेट करने की कोशिश कर रहा है, उनको उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फ्री मूवमेंट नहीं करने दे रहा है। साउथ चाइना सी को अपने बाप का घर समझ के रख रखा है चाइना ने। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी की रूलिंग को चाइना ने रिजेक्ट कर दिया और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की लिमिट को ही मानने से मना कर दिया। इंटरनेशनल लॉ को ओपनली चाइना ने मानने से मना कर दिया सीधे सीधे।
तो बेसिकली ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स के अंदर जो अलग अलग प्रिंसिपल्स है उनको चाइना ब्रेजनली वायोलेट कर रहा है, सीधे सीधे मना कर रहा है, इंटरनेशनल लॉ को मानने से मना किया, इंक्लूसिव इंटरनेशनल इंगेजमेंट्स में ओपननेस से मना किया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो ईस्ट और साउथ चाइना सी में चाइना एक्सक्लूजनरी पॉलिटिक्स को टेकअप कर रहा है, साउथ चाइना सी को अपना बैकयार्ड बताते हुए और किसी और कंट्री को इंगेज ही नहीं करने दे रहा है। अगर यूएस या इंडिया का तो खैर उतना नहीं कन्फ्रंटेशन हुआ है, अगर यूएस का या यूके का कोई वॉरशिप साउथ चाइना सी से निकलता है तो उसके लिए ऑफिशियल वार्निंग इशू करता रहता है चाइना, भले ही वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से निकल रहा हो। तीसरा, बाइलेटरल और मल्टीलेटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन और कंसल्टेशन की बात कर रहा है चाइना, लेकिन ओवरऑल चाइना मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में भी अपनी बुलिंग जारी रखता है। एशियन नेशंस के साथ एक एसिमेट्रिक पावर रिलेशन बना रखा है चाइना ने, ये एशियन नेशंस चाइना के आसपास ही आते हैं, लेकिन बीजिंग के बुलिंग एक्शन के अगेंस्ट ये सारी एशियन कंट्रीज कहीं ना कहीं परेशान है। फिर जो क्रूशियल कोड ऑफ कंडक्ट है साउथ चाइना सी में, इसके रिस्पेक्ट में एक प्रॉपर कंडक्ट बनाने तक से मना कर रहा है चाइना। चाइना साफ साफ बोल रहा है कि साउथ चाइना सी मिलिट्री प्रोवेस, मिलिट्री आप कह लो बाउंड्री में आता है चाइना की, इसमें किसी भी और पर्टिकुलर कंट्री में कुछ बोलने तक की जरूरत नहीं है। तो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो यहां पे चाइना बनाने की बात कर रहा है तो उसको पूरी तरीके से सारे प्रिंसिपल्स को चाइना ही वायलेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट तो घटा रहा है चाइना, लेकिन वहां की सरकारों को अपने उधार का गिरवी बना ले रहा है और बाद में वहां की सरकारों को गलत तरीके से फोर्स करके सब कुछ अपने फेवर में कर रहा है। जैसे एक श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट अपने पास ले लिया। तो चाइना इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू दूसरे देशों की सोवरेनिटी और सोवरेन राइट्स को हर्ट कर रहा है। जब फिलीपींस के वाटर में ज्वाइंट एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात हुई तो भी चाइना ने फिलीपींस को बोला कि मेरे पास ज्यादा हिस्सा आएगा। तो ये सब बातें क्या बताती हैं? ये सब बातें ये बताती हैं कि ये जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है चाइना का, ये बस एक बकवास है, ये बस एक तरीका है यूएस के मल्टीलेटरल इंटरनेशनल इंगेजमेंट्स को काउंटर करने का। यूएस जो एक मल्टीपोलर इंटरनेशनल सिस्टम को यहाँ पे लीड कर रहा है और ओवरऑल एक ग्रुपिंग तैयार कर रहा है चाइना की बुलिंग प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट, उसको नैरेटिव के माध्यम से काउंटर करने के लिए ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव लेके आ रहा है चाइना। एक्चुअली में ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की एक भी प्रॉपर पोजीशन को या प्रिंसिपल को खुद अपने रिस्पेक्ट में चाइना फॉलो नहीं करता। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही। तो चाइना का जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है ये ना ही सस्टेनेबल होगा, ना ही इक्विटेबल होगा और ना ही ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन ढूंढेगा इन सिक्योरिटी का। ये बस यूएस की लीडरशिप को काउंटर करने के लिए एक नैरेटिव है, नथिंग एल्स। फिर अगली न्यूज, अ ग्रेव मिस्टेक इन ग्रेट निकोबार। देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने डिसाइड किया कि 70,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा अंडमान एंड निकोबार के सदर्न पार्ट में, ओवरऑल आप कह लो निकोबार आइलैंड्स में, ठीक है भाई, ग्रेट निकोबार के इलाके में। नीति आयोग ने इस प्रोजेक्ट को पायलट किया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया गया इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। तो जो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, इसमें एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जाएगा 14.2, ठीक है ना, 20 फीट इक्विवेलेंट कार्गो कैपेसिटी का गैलेथिया बे में, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे आता है। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा जो कि 4,000 पैसेंजर्स को पीक आवर्स के समय पे सपोर्ट कर सकता है। 450 MVA की गैस और सोलर बेस्ड पावर प्लांट बनाया जाएगा। इको टूरिज्म और रेजिडेंशियल टाउनशिप बनाई जाएगी 160 स्क्वायर किलोमीटर की। तो इतने एम्बिशियस प्लान यहाँ पे सरकार लेके आया है ग्रेट निकोबार के लिए, तो ग्रेट निकोबार के लोगों को खुश होना चाहिए, बट एक्चुअली में यहाँ पे खुश होने वाली बात है नहीं। और मैं बता दूं, सरकार यहाँ बहुत तेजी से मूव कर रही है। जो ग्रेट निकोबार का इलाका है चेन्नई से 1650 किलोमीटर दूर है और इंटरनेशनल शिपिंग रूट से केवल 40 नॉटिकल माइल्स दूर है। तो आइडिया देखिए अच्छा है, अगर ग्रेट निकोबार के इलाके में अगर आप पोर्ट बनाते हो, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ऑब्वियसली बात है ग्रेट निकोबार में इतना कंजम्पशन है नहीं और मेन लैंड पे कंजम्पशन करना होगा तो एन्नोर, चेन्नई और मुंबई के पोर्ट पे जाएगा कार्गो। तो बेसिकली ये जो ग्रेट निकोबार का पोर्ट होगा ये बस ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट होगा जहाँ पे शिप्स अपने कार्गो को चेंज कर सकती हैं। तो दुबई से कोई कार्गो चला चाइना तो ट्रांसशिपमेंट के लिए वो ओवरऑल ग्रेट निकोबार के पोर्ट को इस्तेमाल कर सकता है, मतलब सामान की अदला बदली के लिए पोर्ट काम आएगा और ये काफी इफेक्टिव है। दुबई का जो पोर्ट है वो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है अपने आप में बहुत बड़ा, वो दुबई की इकोनॉमी को एक मेजर पुश देता है। उसी प्रकार से अगर एक एयरपोर्ट बना दिया जाता है ग्रेट निकोबार में तो वो एयरपोर्ट अपने आप में बहुत यूजफुल हो जाएगा।
कल की डेट में बहुत सारी फ्लाइट्स जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स होंगी वो ओवरऑल ग्रेट निकोबार को अपने बेस की तरह इस्तेमाल करेंगी, और फिर उसमें इंडिया ऑन अराइवल वीजा देगा तो लोग बाहर सिटी में निकल के थोड़ा घूम वगैरह भी सकते हैं। तो नो डाउट प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, बट इकोलॉजिकली ये प्रोजेक्ट फीजिबल नहीं है। मार्च 2021 में एकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंसल्टिंग एजेंसी है, इसने यहाँ पे प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट रिलीज की। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी ने एनवायरमेंट क्लियरेंस का प्रोसेस शुरू किया अप्रैल में, और जो प्रोजेक्ट कंपोनेंट था हैदराबाद बेस्ड विमिता लैब्स ने एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट यहाँ पे तैयार की। दिसंबर 2021 में इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में रखा गया कमेंट्स डिस्कशन के लिए। जल्दी से अप्रूवल मिला, क्लियरेंसेस मिले, एग्जेम्पशंस और डीन नोटिफिकेशंस यहाँ पे इशू किए गए, और प्रोजेक्ट को इमीडिएट बेसिस पे सरकार इंप्लीमेंट करना चाह रही है। अभी के लिए ग्रेट निकोबार की आबादी 8,000 की है, अगर ये प्रोजेक्ट बन जाता है ना ग्रेट निकोबार का, 3,00,000 लोग जाके वहां पे रहेंगे। 3,00,000 तो पूरे अंडमान निकोबार की आबादी है, अकेले 3,00,000 लोग ग्रेट निकोबार में जाके रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच में इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ दिस अर्बनाइजेशन प्रोजेक्ट के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। कैसे मैरीन और टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी ग्रेट निकोबार की बर्बाद हो जाएगी, कैसे ओवरऑल ये पूरा का पूरा ग्रेट निकोबार का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिस्टीननेस जा सकती है इस प्रोजेक्ट से, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये जो आइलैंड है अंडमान निकोबार आइलैंड्स 900 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बायोस्फीयर रिजर्व को डिक्लेयर किया गया था 1989 में, यूनेस्को के मैन और बायोस्फीयर प्रोग्राम में आया 2013 में। 3/4 ट्राइबल रिजर्व कहलाता है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स अमेंडमेंट रेगुलेशन के अंदर। इन सबको इग्नोर करते हुए सरकार इतना मेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ चला रही है। आइडिया क्या है, इस प्रिस्टीन आइलैंड को कॉमर्शियल हब में बदलेंगे, पर कॉमर्शियल हब सिंगापुर जैसा तो दूर, ये एक इको साइड होगा, मतलब इन्वायरमेंट का सुसाइड, इन्वायरमेंट की मौत कर दोगे आप यहाँ पे अगर इस प्रकार का प्रोजेक्ट बनाते हो। वल्नरेबल ट्राइबल कम्युनिटीज निकोबारीज और शोम्पेन यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी जो हजारों के साल से इस पर्टिकुलर इलाके में रह रही हैं। ओवरऑल ग्रेट निकोबार आइलैंड में फॉरेस्ट का बहुत बड़ा लॉस होगा। EIA रिपोर्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, ये बोलती है कि जो पेड़ वगैरह काटे जाएंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर, उन पेड़ों का कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन किया जाएगा हरियाणा मध्य प्रदेश में। अब ये थोड़ा हंसने वाली बात है, पेड़ काट रहे हो अंडमान निकोबार में और यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर हरियाणा और मध्य प्रदेश में आप पेड़ लगाओगे, और वो भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स के। एवरग्रीन फॉरेस्ट को बनने में हजारों साल लगते हैं, ये हजारों साल बुलाने अगर आप प्रिस्टीन फॉरेस्ट काट दोगे और नए पेड़ पौधे सैपलिंग लगा दोगे हरियाणा और मध्य प्रदेश में, तो उससे ज्यादा कुछ देखिए होने वाला है नहीं। प्लस जो कोरल रीफ्स हैं इनको ट्रांसलोकेट किया जाएगा। कोरल रीफ्स का ट्रांसलोकेशन यहाँ पे सक्सेसफुल होने वाला नहीं है, आज की डेट में वैसे भी क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड ओशन वार्मिंग हो रही है, ट्रांसप्लांटेड कोरल सर्वाइव नहीं कर सकते, ऐसी बहुत सारी स्टडीज का बोलना है। उसके साथ साथ एक और इन्वायरमेंटल और जियोलॉजिकल फैसेट यहाँ पे इग्नोर किया जा रहा, वो ये है कि 2004 की इंडियन ओशन की जो अर्थक्वेक और सुनामी आई थी वो ग्रेट निकोबार आइलैंड को उसने काफ़ी अफेक्ट किया था। बहुत हद तक लैंड इलाका ओवरऑल इन आइलैंड्स का पानी के नीचे चला गया था, पानी की जो यहाँ पे हाइट थी ना वो 10 से 20 मीटर ऊपर आ गई थी। कहाँ की बात हो रही है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। उसके बाद अगर आप देखो तो ये जो ग्रेट निकोबार है ये रिंग ऑफ फायर के भी पास पड़ता है, तो नेचुरल डिजास्टर से बहुत हद तक प्रोन है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और ग्रेट निकोबार के डेवलपमेंट प्लान में इन नेचुरल डिजास्टर्स को कोई इंपॉर्टेंस ही यहां पे नहीं दी जा रही है। ये भी अपने आप में एक बहुत कंसर्न का इशू है जिसको बहुत अर्जेंटली एड्रेस करने की जरूरत है। अर्थक्वेक के समय पे जो बहुत मीटर जमीन धस गई थी ओवरऑल इन आइलैंड्स की, वो जैसे तैसे करके रिकवर कर रही है, और वो ओवरऑल डेवलपमेंटल प्लान में कंसीडर नहीं किया जा रहा है। इतने बड़े स्केल पे ओवरऑल कंस्ट्रक्शन इतने ज्यादा इकोलॉजिकली अनस्टेबल इलाके में एक आप कह लो पोटेंट डिसीजन नहीं है, ये सब बातें ओवरऑल बोली जा रही हैं। तो एक तरफ इंडिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में कंजर्वेशन, सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन डेवलपमेंट मॉडल की बात करता है, और दूसरी तरफ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जैसे अनसस्टेनेबल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलाता है, तो ये एक आप कह लो पैराडॉक्स है। जीडीपी के रिस्पेक्ट में ग्रोथ दिखाना तब तक काम नहीं दे सकता जब तक आप अपने ह्यूमन कैपिटल को प्रोटेक्ट ना कर पाओ, और ग्रेट निकोबार का डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लॉन्गर टर्म में ह्यूमन कैपिटल को तबाह करके रख देगा। ग्रीन डेवलपमेंट मॉडल तो वो है ही नहीं किसी भी तरीके से, फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पे आज की डेट में इतनी प्रिस्टीन इकोलॉजी को आप तबाह कर दो वो सही नहीं है, ये सब बातें यहाँ बोली जा रही हैं। नेक्स्ट भाई सोरनेस इन असेंबली ओवर स्वीट्स।
10 मार्च को बजट सेशन चल रहा था गुजरात असेंबली में, ड्रामेटिक सीन्स देखने को मिले। कुछ कांग्रेस एमएलए को सस्पेंड कर दिया गया गुजरात की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। क्यों? क्योंकि गुजरात का जो अंबाजी टेम्पल है वहां पर प्रसाद चेंज किया गया था। पहले वहां पर प्रसाद के तौर पर मोहन थाल बांटा जाता था, बाद में बोला गया कि चिक्की बांटी जाएगी। बाद में जब अपोजिशन हुआ तो सरकार ने बोला कि ठीक है भाई, चिक्की को बस एक ऑफर में रखा जाएगा, प्रसाद में मोहन थाल ही बांटा जाएगा। 1 मार्च को ओवरऑल अपोजिशन मेंबर्स की एक्टिविटी के चलते 19 एमएलएज ऑफ कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट स्लोगन रेस कर रहे थे। ठीक है, फिर ओवरऑल कुछ दिन पहले एक पुलिस सब इंस्पेक्टर, फेक ट्रेनिंग पुलिस सब इंस्पेक्टर का गुजरात की स्टेट रन पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग पाता पाया गया। तो इस बात को लेके भी अपोजिशन एमएलए ने सरकार से जवाब पूछा, सरकार ने जवाब नहीं दिया, जो असेंबली स्पीकर शंकर चौधरी जी ने, ये ओवरऑल कांग्रेस की इस पर्टिकुलर डिमांड के ऊपर अर्जेंट डिस्कशन के लिए रिजेक्ट कर देता है। ओवरऑल 16 कांग्रेस एमएलए और 3 आप एमएलए एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट बाहर निकल जाते हैं, बाद में इन एमएलए को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया जाता है। ओके, तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे चल रही हैं। गुजरात लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल साहब ने 19 एमएलएस के अगेंस्ट सस्पेंशन ऑर्डर यहाँ पे निकाल दिया। तो बेसिकली यहाँ पे गुजरात की असेंबली में अपोजिशन को अकोमोडेट नहीं किया जा रहा, ये बोला जा रहा है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। बीजेपी के पास 128 मेंबर गुजरात असेंबली में 156 की मेजॉरिटी है। 19 के जो अपोजिशन है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को, इसको अकोमोडेट ही नहीं कर रही सरकार। और गुजरात की असेंबली में एमएलएस के सस्पेंशन बहुत आम बात है। 2018 में 2 कांग्रेस एमएलए प्रताप दूधत और अमरीश देर को सस्पेंड किया गया था 3 सालों के लिए, चूंकि उन्होंने बीजेपी लॉ मेकर के ऊपर माइक्रोफोन से अटैक किया था। फिर एक और लेजिस्लेटर थे बालदेव जी ठाकुर, उनको 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया था, चूंकि वो हाउस की प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट कर रहे थे। तो ये सब बातें ओवरऑल बोली गई यहाँ पे। बाद में कुछ सस्पेंशन को रिवोक भी किया गया है, बट ये सस्पेंशन बहुत आम है ओवरऑल कहाँ पे, गुजरात की असेंबली में। ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। इनफैक्ट अगर आप देखो तो 2013 में जब गुजरात लोक आयुक्त कमीशन बिल असेंबली में पास हुआ था तो 55 एमएलए ऑफ कॉमर्स पहले सस्पेंड थे। केवल 1 कांग्रेस का एमएलए वहां पे प्रेजेंट था, केशुभाई पटेल, जो कि ओवरऑल इस गुजरात लोकायुक्त कमीशन बिल को अपोज कर रहा था। तो ये जो फ्रीक्वेंट सस्पेंशन होते हैं ये ओवरऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की ओवरऑल डेमोक्रेटिक कैपेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में अपोजिशन की एमएलए ही सरकार को अकाउंटेबल कर सकते हैं, और उन्हीं को आप सस्पेंड कर दोगे तो फिर डिबेट होगी किस बात की। रूल 116 ऑफ द असेंबली के अंदर ओवरऑल डिबेट्स होती हैं, लेकिन एक भी इशू यहां पे नहीं मिला है गुजरात की असेंबली में अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का डिबेट करने के लिए। तो डिबेट तो होनी चाहिए, वही डिबेट नहीं हो रही यहाँ पे। फिर ओवरऑल ये भी बताया जा रहा है कि जो अलग अलग असेंबलीज बनी है गुजरात की उसमें ओवरऑल जो सेशंस हैं वो भी कम हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो 15 गुजरात की लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है, इसका सेकंड सेशन था, दिसंबर 2022 में इलेक्शन हुए थे। जो 14वीं असेंबली थी उसमें 11 सेशंस हुए थे, जनवरी 2018 से लेके सितंबर 2022 के बीच में टोटल 123 दिन के लिए गुजरात की लेजिस्लेटिव असेंबली मिली थी, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च बोलती है। ऑन एन एवरेज देखो तो जो असेंबली थी वो 2 सेशंस और 25 दिन के लिए बैठी 1 साल में, 2000 से लेके 2010 के बीच में। प्रति साल असेंबली 31 दिन के लिए मिलती है, लेकिन 14वीं असेंबली केवल 25 दिन के लिए मिली 1 साल में, जो कि अपने आप में एक अनडेमोक्रेटिक फिगर है। कम से कम 1 साल में पुराने एवरेज जितना तो आप मीटिंग करो असेंबली का, 365 दिनों में केवल 25 दिन के लिए असेंबली मीट कर रही है ऑन एन एवरेज 14वीं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली गुजरात में, जो कि अपने आप में एक दुख वाली बात है। तो अगर ये रिड्यूस नंबर ऑफ सिटिंग गुजरात की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होती रहेगी तो डेमोक्रेटिक पॉलिसी डिबेट्स कब होंगी? 1 साल में अगर केवल 31 दिन ही गुजरात के एमएलए मिलकर पॉलिसी के ऊपर बातचीत होंगे तो डिबेट कब होगी? डिबेट का तो यहाँ पे टाइम ही नहीं है। ये सब बातें यहाँ पे बताई जाएंगी। तो गुजरात के अंदर ओवरऑल स्पीकर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इंपॉर्टेंट मुद्दे पे अपोजिशन को इंगेज करें, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अपोजिशन नंबर्स में कितने हैं, तब जाके एक एक्चुअल डेमोक्रेटिक सेटअप एस्टैब्लिश हो पाएगा। फिर भाई अगली न्यूज, ट्रबल इन पंजाब, गवर्नमेंट एंड द सेंटर एंड द स्टेट मस्ट गार्ड अगेंस्ट सेपरेटिज्म। तो भैया अगर आप देखो तो पंजाब में वायलेंट सेपरेटिस्ट फैनेटिसिज्म बढ़ता चला रहा है पिछले कुछ सालों में। अगर आप देखो तो रिलीजियस फैनेटिसिज्म पंजाब के अंदर बढ़ रहा है, ओपन कॉल्स हो रही हैं वायलेंस की। 23 फरवरी को पुलिस स्टेशन के अंदर एक मॉब घुस जाता है लवप्रीत तूहान को छुड़ाने के लिए, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर था वो। और अभी की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो इस प्रकार के चैलेंजेस के साथ डील करने के लिए थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है, तो इस रिस्पेक्ट में केंद्र की सरकार का सपोर्ट तो राज्य की सरकार को चाहिए ही। 1980s में जो वायलेंट
कैंपेन हुआ था सेपरेट खालिस्तान के लिए, जिसने ओवरऑल पंजाब के स्टेट को तोड़ कर रख दिया था, और बाद में हमारी प्राइम मिनिस्टर जी को एसेसिनेट किया गया था। किसको एसेसिनेट किया था, किस दिन एसेसिनेट किया था, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। हज़ारों की तादाद में फिर सिख कम्युनिटी के इनोसेंट लोगों को मारा गया, बहुत सारी मूवी में इसे दिखाया भी जाता है, जैसे लालचंद चड्ढा में दिखाया गया है। तो इस कंटेक्स्ट में ये ट्रॉमा इंडिया में रिपीट नहीं होना चाहिए। सिख कम्युनिटी एक हाईली मोबाइल इंटरप्राइजिंग कम्युनिटी है, ज़्यादातर सिख्स ओवरऑल देश की नेशनल यूनिटी की बात करते हैं। जब लंदन में ओवरऑल हमारा झंडा के साथ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ने ओवरऑल कुछ छेड़खानी की, तो उसके बाद जो सिख्स थे पूरी दुनिया में उठ के इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के अगेंस्ट आए, भारत माता की जय उन्होंने बोला, तो कुछ चंद लोग हैं जो इस प्रकार की आप कह लो यू नो वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा के वायलेंस फैलाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ट्रबल पंजाब में हो रहा है रिलीजियस फैनेटिज्म की वजह से, फॉरेन एड की वजह से, पाकिस्तान के सपोर्ट की वजह से, ऐसे की वजह से, वो सोसाइटल क्राइसिस भी इसमें एक वजह है। सिख डायस्पोरा जो यूके कनाडा ऑस्ट्रेलिया में ओवरऑल इस सेपरेटिज्म को हवा दे रही है, ये सब कहीं ना कहीं एक इम्पेंडिंग प्रॉब्लम है जिसको तुरंत के बेसिस पे एड्रेस करना ज़रूरी है। वायलेंट टेंडेंसीज लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, इसलिए अभी उनको सुलटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप उनको इंक्लूसिविज्म के साथ सुलटा सकते हो। इंडिया एक मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चरल नेशन है, यहाँ पे सेपरेटिज्म के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ पे टॉलरिज्म के लिए जगह है। ये टॉलरेंस पहले भी था, आगे भी रहना चाहिए, और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ना केवल राज्य सरकार की, केंद्र की सरकार की भी, कि पंजाब के मासेस ओवरऑल अपने आप को देश के साथ एसोसिएट कर पाए। ठीक है, फिर भाई जापान के जो फ्यूमियो किशिडा साहब आए उनके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। 2006 से लेकर अक्सर कर आप देखो तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जापान जाते रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान इंडिया में आते रहते हैं। इस बार जो फ्यूमियो किशिडा जी आए हैं, उनकी आने के दो मेन वजहें थी, एक तो G7 और जो G20 का एजेंडा है फूड और एनर्जी सिक्योरिटी इशू को लेकर, खासकर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के रिस्पेक्ट में, इस पर बात करना। दूसरा, जापान का $75 बिलियन का प्लान फॉर अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, इसको प्रमोट करना, जिसके थ्रू चाइना के इन्फ्लुएंस को जापान यहाँ पे काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। और इस कंटेक्स्ट में रशिया चाइना की बेलिजरेंट एक्टिविटीज के चलते इंडिया को G7 के ग्रुप के साथ आइडियोलॉजिकली मिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं फ्यूमियो किशिडा साहब। यूक्रेन वॉर के चलते रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए, उन सैंक्शंस को जापान ने सपोर्ट किया है, तो इस रिस्पेक्ट में इंडिया भी जापान के साइड आ जाए, या फिर कह लीजिए G7 की साइड आ जाए, ये जापान चाहता है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जापान जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इंडिया के साथ बायलेटरल एंगेजमेंट कर रहा है, ये इस बात पे कंटिंजेंट नहीं है कि इंडिया G7 की पॉलिसीज ऑन द रशिया यूक्रेन वॉर को फॉलो करे। तो ये सब बातें, इंडिया ने यहाँ पे टाइट बैलेंस बिठाने की कोशिश की है। फ्यूमियो किशिडा साहब किस हद तक यूक्रेन के साथ इस क्राइसिस में खड़े हैं, ये इस बात से पता चलता है कि इंडिया छोड़ने के बाद वो सीधे वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए कीव चले गए। तो ओपनली अब लीडर्स, कीव एक वॉर जोन बना हुआ, उसके बावजूद भी कीव में जाके वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की से मिल रहे हैं। फिर जापानीज लोन दिया जाएगा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इन बांग्लादेश एंड इंडिया, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के लिए जापान पैसा देगा, इसके रिस्पेक्ट में भी बातचीत हुई है। ठीक है ना भाई, तो ये सब बातें ओवरऑल बोली जा रही हैं जापान की विजिट के रिस्पेक्ट में। चाइना के साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे जापान को। देखिए क्या हुआ, साउथ चाइना सी में और ताइवान स्ट्रेट में चाइना ने कुछ बेलिजरेंट एक्शंस यहाँ पे दिखाए जो ओवरऑल कहीं ना कहीं जापान को नर्वस कर रहे हैं। तो इस रिस्पेक्ट में G7 की ग्रुपिंग में इंडिया को एक इन्विटेशन दिया है मोदी जी को कि आप आइए G7 की मीट यहाँ पे अटेंड करिए, और भी कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज आएंगी। तो बेसिकली जापान जो भी इन्फ्लुएंस है इंडिया के अंदर, उसके चलते इंडिया को बहुत हद तक G7 का जो स्टांस है रशिया चाइना की तरफ, उसकी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। बट इंडिया का स्टांस बहुत प्रैक्टिकल है, इंडिया सीधे सीधे बोलता नहीं है, बट कहीं ना कहीं इन कंट्रीज को ही पता है कि भैया हमारा चाइना के साथ एक बहुत बड़ा बॉर्डर लगता है, और हमारे कुछ प्रैक्टिकल कंसिडरेशन है चाइना के साथ, हमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जैसी इंक्रोचमेंट की चैलेंजेस को भी देखना है, तो ओपन पंगा हम भी अफोर्ड नहीं कर सकते, हम भी वही चाइना वाला तरीका अपना रहे हैं कि लोअर योर हेड बाइड योर टाइम, ज़्यादा बवाल मत लो, ज़्यादा पंगे मत लो, अपनी ताकत को बढ़ाओ, जब ताकतवर हो जाएंगे तब एक एक को आड़े हाथों ले लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूँ। बहुत डिटेल में आज के मैंने वीडियो आपको पढ़ाई है, थोड़ी लंबी हो गई वीडियो, मैं चाहता नहीं वीडियो इतनी लंबी हो, बट कभी कभी हो जाती है दोस्तों, तो फिर बियर विद इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डिफरेंस, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।